हे गाइस, मैं हूं नीलेश देवांगन और आज हम चल रहे हैं बिलासपुर एयरपोर्ट। और मेरे साथ है सूर्या भाई और साथ ही सोएब भाई। इनके काम से ही हम जा रहे हैं जबलपुर। तो चलिए वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वेलकम टू बिलासपुर एयरपोर्ट। बिलासपुर हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। बिलासपुर में 1 मार्च से फ्लाइट शुरू हो चुकी है और आज तीसरा दिन है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे राज्य के लिए, हमारे बिलासपुर शहर के लिए और जो आसपास लोग रहते हैं, जहांगीर चांपा, पामगढ़, तखत, मुंगेली और भी जो आसपास के लोग हैं, उन सब के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सो फाइनली हमारे शहर में एयरपोर्ट बन चुका है और एयर सर्विस शुरू हो चुके हैं हमारे शहर में। तो चलिए चलते हैं अपन बिलासपुर एयरपोर्ट के अंदर। अभी स्टार्टिंग में बिलासपुर से जबलपुर, प्रयागराज और दिल्ली के लिए ही फ्लाइट है, पर आने वाले समय में और भी एयर सर्विस शुरू हो जाएंगे। फ़्लाइट की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो चकरभाटा एयरपोर्ट आकर भी यहाँ ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। जिनको पता नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप 15 किलो से ज़्यादा का सामान अगर ले जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा और कैबिन बैग में आप 7 kg तक सामान रख सकते हैं। फ्लाइट अब लैंड होने वाली है जबलपुर एयरपोर्ट पे। हम जबलपुर पहुंच चुके हैं। लगभग 40 मिनट का समय लगा बिलासपुर से जबलपुर पहुंचने में। तो अब हम पहुंच चुके हैं जबलपुर एयरपोर्ट पे। अब यहाँ फ्लाइट से हम नीचे उतर चुके हैं और ये बस में हमें ले जाया जाएगा वहाँ बाहर तक, एयरपोर्ट तक, और वहाँ से फिर हम बाहर निकलेंगे। ये मेरी लाइफ की पहली फ्लाइट थी और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा।
हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और ये वीडियो भी यहीं तक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।